या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, माता रानी की कृपा हमारे सभी भक्तों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, माँ के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा की पूजा करने से कौन सी मनोकामना पूरी होती है, किस रंग का वस्त्र पहनना चाहिए और किस किस राशि के लिए माँ चंद्र घंटा की पूजा विशेष लाभकारी है, इसी संदर्भ में आज बताएंगे। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। माँ दुर्गा के तीसरे रूप का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। माँ चंद्र घंटा की मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने से भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र कर देती है। माँ का वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधादि से रक्षा करती है। माँ चंद्र घंटा के साधक और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इनकी आराधना सद फलदायी है। ऐसे ये सभी 12 राशियों के लिए शुभ है, लेकिन धनु और मीन राशि के लिए विशेष फलदायी है। माँ चंद्र घंटा को नारंगी रंग बहुत प्रिय है, इसलिए भक्त पूजा के समय सूर्य की आभा के समान रंग के वस्त्र धारण करें। माँ चंद्र घंटा की साधना से जातक को प्रेत बाधा, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है। माँ के पूजन करने से शरीर को तेज प्राप्त होती है। जातक को अपने कर्मों पर विशेष आत्मविश्वास मिलता है। विद्यार्थियों के लिए माँ साक्षात विद्या प्रदान करती है, वही देवी साधक की सभी प्रकार से रक्षा करती है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी,